यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग आज प्रोटीन मिल्क कैसे बनाने वाले हैं, इसके लिए लाइव सेशन करने वाले हैं। पहले हमने लाइव सेशन किया था फ्रेंड्स, तो लाइव सेशन के दरमियान काफ़ी सारे लोगों के सजेशन आए थे कि सर हम लोगों ने मिस कर दिया, और हम जिन लोगों ने देखा था उन लोगों को अच्छे सजेशन भी मिले कि सर हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप फिर से मेरे फ्रेंड सर्कल को भी देखना है तो वो फिर से आप कीजिए, तो इसलिए फिर से हम लोग ये लाइव सेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। यस यस रिजवान, गुड मॉर्निंग। सुरेश भाई, गुड मॉर्निंग। यस, काफ़ी सारे लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं फ्रेंड्स। यस रिजवान, गुड मॉर्निंग। यस ईद मुबारक फ्रेंड्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, आज ईद है, और सभी मुस्लिम बिरादरों को हमारी तरफ से ईद मुबारक, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे ऐसी हम शुभकामना करते हैं। यस वेलकम किंजू, वेलकम पलक। यस शुभांगिनी, यस हाय, गुड मॉर्निंग। यस नेहा, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, रूपाली मैम भी बहुत सो मच एक्साइटेड है कि आप सभी के साथ ये अमेजिंग प्रोटीन मिल कैसे बनाते हैं वो शेयर करने के लिए। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से ऐसा हो तो नोट पेन लिख के रखिए, और नोट पेन में क्या क्या आज सिखाने वाले हैं वो सब इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिएगा। यस धवल, गुड मॉर्निंग। यस कामिनी, गुड मॉर्निंग। यस फ्रेंड्स, आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है, म्यूजिक भी बहुत ही अच्छी तरह से बैकग्राउंड में बजता रहेगा फ्रेंड्स। यस किंजो, यस सुनाई दे रहा है, गुड मॉर्निंग। यस प्रफुल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये सेशन, लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं, तो हेल्प मी इनवाइट इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर एंड वेरी सून गोइंग टू मीट टीम मेंबर मिस्टीस रूपाली पटेल। हेलो, यस वेलकम मैम। हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मेरा नाम रूपाली पटेल है, मैं एक हर्बलाइफ वेलनेस कोच हूँ। मैं 4.5 साल से हर्बलाइफ प्रोडक्ट यूज करती हूँ, खुद भी हेल्दी हूँ, और बहुत सारे कस्टमर को मैंने अच्छी हेल्थ दी है, अच्छी वेल्थ दी है। तो आज मैं, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसके दौरान हमें हमारी हेल्थ अच्छी रखनी है, खुद की भी और हमारे फैमिली की भी। तो आज मैं यही लेकर आई हूँ कि आप ये जो एक प्रोटीन सलाद है जिसके जरिए आप अपने फैमिली को कैसे हेल्दी रख सकते हो, उसकी आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो आपको जो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी वो सब कुछ आपके घर पे अवेलेबल होना चाहिए, और उसमें से आपको कितने विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन मिलते हैं वो मैं सब कुछ आपको नॉलेज दूंगी, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि हमारा जो इंडिया है वो हेल्दी और फिट रहना चाहिए। तो हम आज भी प्रोटीन सलाद बनाने वाली हूँ, उसकी आज रेसिपी तैयार करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये है मूंग जो मैंने रात को भिगोए रखे थे, ये 2 कटोरी मूंग है, जो 2 कटोरी मूंग में से हमें 48 to 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है। दूसरा है चने, आप बोलते हो देसी चने, ये भी मैंने रात को भिगोए रखे थे, ये दोनों आप बाहर से भी लेके आ सकते हो, लेकिन क्या है अगर हम लोग बाहर से लाते हैं तो वो कभी कभार हमें बासी देते हैं, तो उसकी जो स्मेल है वो हमारे सलाद को बिगाड़ देती है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर पे डेली भिगोए, आज ही मैं डेली अपने घर पे भिगो के डेली सलाद ये बनाती हूँ। और तीसरा है, ये है कॉर्न, अमेरिकन मकाई, कि जो अभी इसकी सीजन चल रही है, इसमें से भी हमें बहुत ज्यादा फाइबर, विटामिन्स मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगी। उसके बाद है, ये है गाजर, कैरेट, ये मेरी बहुत ही फेवरेट है क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत ही पसंद है। और आप जानते होंगे कि ये जो कैरेट है अगर आप वेट लॉस करते हो तो ये फैट बंद करने के लिए बहुत ही जरूरी है, और दूसरा अगर वेट लॉस कर
करने के दौरान इसमें से एक एसिड आता है जो आपके बॉडी में से वेट लॉस जल्दी ही कम करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है कुकुम्बर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 150 ग्राम कुकुम्बर लिए हैं। अगर आप उसके छिलके निकाल देते हो तो उसमें से जो मैग्नीशियम पोटेशियम है वो नहीं मिलेगा, तो ऐसा लगता है कि आप वो छिलके भी पिल भी आप साथ में रख सकते हो। दूसरा है कुकुम्बर, सॉरी कैप्सिकम। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने एक कैप्सिकम लिया है जिसमें से हमें बहुत ज्यादा फाइबर है वो मिलता है। यहाँ पे मैंने टमाटर भी लिए हैं, ये पीनट्स है जिसके मैंने छिलके निकाल दिए हैं क्योंकि इसमें से भी हमें प्रोटीन्स मिलता है, तो ये हमारे सलाद को क्रंची बनाने के लिए है। मैंने यहाँ पे थोड़े से पनीर भी लिए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप रख सकते हो, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दूसरा है ये है चिली, जो मैंने यहाँ पे दो बारीक कटी हुई ली है। फिर यहाँ पे ये है काली मिर्च जो कुटी हुई है स्वाद अनुसार। इसमें हमने जो सॉल्ट यूज किया है वो है सिंधव सॉल्ट। आप शायद जानते होंगे कि सॉल्ट दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है हमारा जो नॉर्मल सॉल्ट और दूसरा है सिंधव सॉल्ट। सिंधव सॉल्ट यूज करना क्यों बेस्ट है, क्योंकि आप जो नॉर्मल सॉल्ट यूज करते हो तो वो ज्यादा यूज करने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई और लो होने की संभावना ज्यादा है, और हमारे जो बॉडी में जो हाइपरटेंशन ज्यादा हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि आप ये जो सिंधव सॉल्ट है वो लाइट पिंक कलर का होता है वो आप यूज कीजिए, क्योंकि इसमें से हमें इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, ये सब कुछ मिलता है। और हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है कि आप सिंधव सॉल्ट यूज कीजिए, क्योंकि हमारा जो भारतीय देश है उसमें ज्यादातर त्योहार आते हैं, उसमें नवरात्रि भी आती है, तो नवरात्रि के 9 दिन हम लोग ये यूज करते हैं। पर मैं अपने घर पे सबसे ज्यादा सिंधव सॉल्ट यूज करती हूँ। और ये है चाट मसाला कि जो अपने स्वाद अनुसार आप यूज कर सकते हो। तो अभी प्रोटीन सलाद कैसे बनाना है वो मैं शुरुआत करूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी फ्राई पैन ली है, तो उससे पहले मैं गैस ऑन करूंगी। मैंने गैस ऑन कर दिया है, इसके ऊपर मैं एक कढ़ाई रखूंगी। आपके पास कोई भी बर्तन हो, कढ़ाई हो, वो भी आप यूज कर सकते हो। हमें हेल्थ का ध्यान रखना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉर्न ऑयल और सिर्फ एक चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच आप ऑयल यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत ही कम ऑयल यूज किया है, क्योंकि ऑयल में से भी हमें फैट मिलते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे अपना मूंग जो मैंने सारा रात को भिगोए रखे थे। मैंने ये दो कटोरी मूंग लिए हैं, इसमें से हमें 48 टू 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा वाला प्रोटीन है। अब हम इसमें डालेंगे एक से डेढ़ कटोरी चने, जिसमें से हमें 20 टू 30 ग्राम प्रोटीन्स मिलेगा, और ये हमारा नेचुरल प्रोटीन होगा। एक नॉर्मल व्यक्ति भी ये सलाद बनाकर अपने खुद को और अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं। मैं इसे 2-3 मिनट ढककर रख लूंगी, क्योंकि ये जो चने हैं उसे 2-3 मिनट तक चलने बना पकड़ पकने तक वो पक जाएंगे। क्योंकि हम हर्बल एंड वेलनेस कोच हैं, तो हमारा एक ही काम है, वी मेक
वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। हम लोगों को हेल्दी और फिट रखने का काम करते हैं और सारे लोगों के चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आए ऐसा हम वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सलाद बन रहा है, अगर आप अपनी फैमिली को खिलाओगे तो उसकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, उसकी बॉडी में से फैट कम होगा और उसके जो मसल है वो मसल गेन होगे। अगर कोई बंदा वर्कआउट करता है तो वर्कआउट करने के बाद उसको ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारा जितना वेट होता है उसके हिसाब से हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, सिर्फ घर का काम करता है, तो उसको 1 kg के हिसाब से 1 gram प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई हार्डवर्क करता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क, तो उसे 1 gram से 1.5 gram प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और जो डेली वर्कआउट करता है, बहुत ज्यादा वर्कआउट, 1-2 घंटे वर्कआउट करता है, तो उस लोगों को एवरी 1 kg के हिसाब से 2 gram प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनका वेट 60 kg है तो डेली उनकी बॉडी को 100 gram से भी ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। पर हम जो भी खाना खाते हैं उसमें इतना प्रोटीन नहीं मिलता, क्योंकि हम डेली इतना ग्राम प्रोटीन के हिसाब से इतना माप लेना ऐसा हम डेली नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये जो सलाद है इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा। तो आप ये प्रोडक्ट, ये जो सलाद है, आप अपने डेली रोजिंदी जिंदगी में आप लेके फिट बन सकते हो और अपने जो मसल है उसको भी गेन कर सकते हो। बीच बीच में हमको ये हिलाना है। आप देख सकते हो अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो फाइबर से भरपूर है वो है कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न। फ्रेंड्स, अभी इसकी सीजन बहुत ही चल रही है तो आप ये यूज कर सकते हो। मैंने देखो, मैंने अभी डाला है, इसको मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे अपना सिंधम सॉल्ट, तो मैं हाथों से ही डाल रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है हाथों से डालना। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम तैयार करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, ये कैरेट, करती हूँ क्योंकि उसमें जो है डाइटरी फाइबर
कि जो हम खाना खाते हैं वो पचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स हम इसी को बीच में से लाएंगे। देख सकते हो। और दूसरा ये जो चने और मूंग है उसको हमें पकाना नहीं है बहुत ज्यादा। अब हम इसमें डालेंगे गाजर जो मैंने 1.5 कटोरी ली है यहाँ से। फिर 1 कटोरी मैंने कुकुम्बर लिया है। एक छोटी कटोरी एक कैप्सिकम मैंने यूज किया है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने एक टमाटर भी यूज किया है कि जिसका पल्प हमने निकाल दिया है। तो आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक लाइट रेनबो जैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स हमारा साइंस भी कहता है कि अगर हम अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल कलर वाले खाते हैं तो हमारी बॉडी को अलग अलग विटामिन मिनरल मिलते हैं। मैं इसमें पनीर भी डाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को पनीर बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स ये जो सलाद है मैं 4 और 5 व्यक्ति खा सके इतना बना रही हूँ, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट फैमिली है उसके बहुत ज्यादा मेरे भी बच्चे हैं कि जो यहाँ पर आएंगे और पूछेंगे कि मैडम आज आपने क्या हेल्दी बनाया है। फ्रेंड्स देखिए इसका कलर कितना ही अच्छा लग रहा है। जितने अच्छे कलर उतने अच्छे विटामिन मिनरल। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली जो मैंने सिर्फ दो बारीक कटी हुई ली है। बहुत ज्यादा तीखा हम नहीं खाते तो कम खाना है, क्योंकि मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, मेरी भी 12 साल की बेटी है जो डेली ये खाती है। हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला भी यूज करेंगे कि जिससे उसका स्वाद बढ़ता है। और 1 चम्मच हम काली मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई है ये। क्योंकि ये जो है कैप्सिकम है कैरेट है वो रो ही अच्छा लगता है। हम बाकी का सामान रख देंगे। अभी हम क्या यूज करना है, धनिया पीनट्स और इसमें हम डालेंगे लेमन, क्योंकि अभी लेमन में से हमें विटामिन सी मिलता है। तो अभी जो दौरान जो समय चल रहा है कोरोना का समय चल रहा है उसमें हमें विटामिन सी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करना है। और मुझे पता है कि हर्बलाइफ प्रोडक्ट जो भी यूज करते हैं उसको किसी भी बात में दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं
उसके दौरान हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग ही है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक मिनट पूरा होता है, अब हम इसमें डालेंगे लेमन। मैं यहाँ पे एक पूरा लेमन ले रही हूँ, आप देख सकते हो। मैंने एक लेमन डाला है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी पीनट भी डाल रही हूँ जिसके छिलके हमने निकाल दिए हैं, बाकी बाकी तो मैं गार्निश के लिए रख दूंगी। देखिए इसमें जब सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा है, वाओ, जो भी चीज देखेंगे आप उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन आपको नजर आएगा। फ्रेंड्स अभी ये तैयार हो ही गया है, तो उसे सर्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक डिश लूंगी। इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मैंने लिए है, इसके ऊपर हमारा जो पीनट से मैं सजाने के लिए रख रही हूँ, और थोड़ा सा पनीर भी मैंने पीस के रख लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो लाइक दिस। फ्रेंड्स ये मेरी आज की डिश है जो प्रोटीन से भरपूर है, ये आप अपने फैमिली को या कोई फ्रेंड सर्कल को खिलाओगे तो अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये प्रोटीन वाला प्योर प्रोटीन वाला सलाद है जो आज मैं खाने वाली हूँ। शायद आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स ये आप अपने घर भी बना सकते हो और अपने फैमिली को और अपने बच्चे को भी हेल्दी रख सकते हो। मेरी ये पहली बाइट है जो प्रोटीन से भरपूर है, इसमें क्या है देखो, खोया है, चने हैं, कैरेट्स है, पीनट, सारी चीजें एक चम्मच में आ जाती है। आप देखिए व्हाट अ कलर, थैंक यू। ये मेरे लवली हस्बैंड है जो एवरीडे प्रोटीन ये सलाद खाते हैं, उससे रहा नहीं गया तो वो भी खाने के लिए आ गए। एक चम्मच मैं उनको खिलाती हूँ। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपको ये घर पे बनाना है और मुझे कहना है कि आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आज हमने बहुत अच्छी ये रेसिपी बनाई है, आप घर पे बना सकते हो। फ्रेंड्स और आज ईद है तो हमारे जो भी मुसलमान भाई और बहन है उसको मेरी और मेरी फैमिली की ओर से, हर्बल हेल्थ फैमिली की ओर से ईद मुबारक। अल्लाह Yes, really unbelievable, friends.
आप सभी लोगों ने ये सेशन अमेजिंग तरीके से एंजॉय किया, और फ्रेंड्स ये लाइव रहेगा तो आप देख भी सकते हो। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच रूपाली मैम फॉर दिस वंडरफुल अमेजिंग नॉलेज शेयरिंग विद अस। थैंक यू। यस, तो फ्रेंड्स आगे भी हम लोग ऐसे नए नए जो आपके लिए आपके फैमिली के लिए अच्छा हो वैसे हम लोग ये नई नई लाइव हम लोग करते रहेंगे, और काफी सारी चीज ऐसी है जो हम लोगों को मालूम नहीं रहती फ्रेंड्स, तो वो हम लोग शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज टेस्ट अमेजिंग है, अभी भी मुझे मुंह में ऐसा लग रहा है कि मैं अभी खा जाऊं थोड़ा, ऐसा अमेजिंग प्रोटीन मिल है, और ये डेली आप ले सकते हो, और प्रोटीन में आप जब लंच करते हो तभी भी आप ले सकते हो, और जब ऐसा लगे तो आप 4 बजे या प्रोटीन मिल के समय पे आप ये ले सकते हो फ्रेंड्स। तो ये अमेजिंग सेशन के लिए रियली हम लोग थैंक कहना चाहेंगे रूपाली पटेल को कि जिन्होंने ये अमेजिंग नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। तो थैंक यू सो मच रूपाली मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, अभी भी ऐसा लग रहा है, कितने लोगों का ऐसा लग रहा है कि अभी खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी सेशन का अंत करेंगे फ्रेंड्स, और दूसरी बार जल्दी मिलने के लिए ये अभी हम लोग बाय बाय करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग विथ अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।